नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं आज बात करने वाला हूँ क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अभी आप पूछेंगे इसका क्या संबंध है, मगर साइंटिस्ट और स्टडीज जो है इन्होंने इसका संबंध निकाला हुआ है स्टडी करके, रिसर्च करके। क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस अर्थात CRS, इसका मतलब यह है कि नाक में से पानी आना, सर्दी होना। ये जो साइनसेस है इसको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनसेस, एक इधर इसमें थोड़ी अंदर से सूजन आना जिसकी वजह से नाक में पानी आना, या ये जो फ्रंटल साइनसेस है यहाँ अंदर से सूजन आना इसलिए सर दर्द होना। तो ऐसे सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण हैं। इसमें क्या होता है कि नाक में से सांस लेना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, कभी कभी फूल जाती है और सांस लेने में वो तकलीफ होती है। अब 1700 पुरुष जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन था उनको स्टडी किया गया, उनको दवाई दिया। जो दवाई ले रहे थे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, मतलब लैंगिक कठोरता नहीं है करके जो दवाई ले रहे थे, ऐसे 1700 लोग थे उनके ऊपर रिसर्च की गई और उसमें से ये मालूम पड़ा कि 534 लोगों को क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है, मतलब CRS है, सर्दी जुकाम है। तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ संबंध है। और 236 लोगों को CRS नहीं मिला, उनको कोई लक्षण दिखे नहीं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है, एक निष्कर्ष और स्टडी में निकाला गया कि जिनको क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है उनको बाकी पॉपुलेशन से, जनरल पॉपुलेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस डबल है। सर्दी जुकाम है तो डबल चांस है कि भाई उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन तथा लैंगिक कमजोरी आ जाएंगी। अब इसका और एक कारण हो सकता है ब्लड वेसल के अलावा, ब्लड वेसल्स जो है वो फूलते हैं लिंग में और फूलने के बाद में उसमें ब्लड घुसता है और ब्लड घुसने के बाद में वो लिंग मोटा हो जाता है। अब क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में भी ऐसा होता होगा कि भाई ब्लड वेसल जो है वो आकुंचन पाते होंगे, मतलब छोटे होते होंगे और उसके वजह से पेनिस में अंदर खून नहीं जाता है और लिंग में टाइट पाना नहीं आता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिनको सर्दी जुकाम है, CRS है, उनको रात को नींद नहीं आ रही है, उसके वजह से ईडी हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या सर्दी जुकाम है इसलिए उनको फिट नहीं लग रहा है, उनको भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, और फिर उसकी वजह से भी ईडी हो सकता है। और जिनको ईडी है उनको भी मालूम पड़ा कि भाई उनको CRS है। तो इसका संबंध है, रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है। अभी हमको इतना ही देखना है यहाँ कि जिनको सर्दी जुकाम है उन्होंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनको हो सकता है और उन्होंने ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि भाई सेक्स हो उस समय, क्योंकि समझो उस समय फेल हो जाते हैं और फेल हो गए तो दिमाग में ये बैठता है कि अरे मैं फेल हो गया, क्या हो गया, मैं आदमी में हूँ कि नहीं हूँ, पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, हुआ क्या, और फिर उसमें वो दिमाग को ऐसा शॉक बैठ जाता है और उससे फिर साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो इसलिए अपनी तबीयत ठीक नहीं है, स्पेशली सर्दी जुकाम है तो बिल्कुल नहीं करना है, और वैसे भी तबीयत ठीक नहीं तो सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फिट नहीं है और तंदुरुस्त यदि नहीं है, आप फिट नहीं लग रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।